नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मैं जीएम स्टील बेंजो मेकर आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसके लिए आपको बहुत ही आवश्यकता होती है और हमारे भाई लोग उस चीज़ के लिए बहुत बहुत, बहुत परेशान होते हैं। तो ये जो हमारी स्प्रिंग होती है बेंजो में जो लगाते हैं हम लोग, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। हमारे भाई लोग परेशान होते हैं, जो बेंजो वाले कलाकार होते हैं वो भी कई लोग परेशान होते हैं, और जो बेंजो बनाना सीख रहे हैं, जो लोग बेंजो अभी उन्होंने बनाना स्टार्टिंग किया, तो वो चाहते हैं कि स्प्रिंग कैसे बनाएं। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही एकदम सरल तरीके से आप अपने घर पर स्प्रिंग बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना ये जो बेंजो वाला वायर होता है, ये वाला जिससे हम बेंजो बनाते हैं, वो चाहिए आपको। पहले तो सबसे पहले आपको ये चाहिए पड़ेगा, और एक आपको स्पोक चाहिए पड़ेगा, जो साइकिल का स्पोक होता है वो भी ले सकते हैं आप। तो आपको स्पोक भी चाहिए पड़ेगा, और इसके बाद में आपको आपको स्क्रू ड्राइवर, यदि आपके पास हो तो स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं आप, या फिर आप इसके लिए स्क्रू ड्राइवर ना हो तो इसके लिए आप छोटी वाली जो हमारी हाथ वाली जो ड्रिल मशीन होती है जिससे हम छेद करते हैं, होल करते हैं, उसको भी ले सकते हैं। तो हम इसको इसमें कस लेंगे, स्क्रू ड्राइवर को, इस स्पोक को इसमें कस लेंगे, और हम इसमें जो हमारा स्पोक है इसके साथ में तार को भी कसेंगे हम। ये आपने देखा होगा, मैंने आपको बता नहीं पाया, ये इस स्पोक में इस साइड से, जिस साइड ये इसमें चूड़ी निकली होती हैं, ये चूड़ी निकली हुई हैं, इस साइड से हमको स्क्रू ड्राइवर में लगाना पड़ता है। इस साइड से हम कट कर देंगे स्पोक को, और इसमें ऐसा तार को ऐसा ऐंठ लेंगे जिससे कि इसमें पकड़ बन जाएगी आपकी। तो हम इसमें कस देंगे इसे इस तरीके से, स्क्रू ड्राइवर में कस देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, जो लोग स्प्रिंग के लिए परेशान होते हैं उन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप बड़ी ही आसानी से स्प्रिंग बना सकते हैं। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कैसे स्प्रिंग बनेगी हमारी। ये हमारा तार का बंडल है, अब मैं इसको ऑन करूंगा और आपकी स्प्रिंग बनना चालू हो जाएगी। देखिए आप लोग, बिल्कुल आपको धीरे धीरे बनाना है भैया, बिल्कुल धीरे धीरे भाई बनाएंगे आप। इस तरीके से आप देख रहे हैं स्प्रिंग बनेगी आपकी। ये आपकी स्प्रिंग बन रही है, थोड़ी सी अगर सावधानी हट जाएगी तो ये स्प्रिंग हमारी ख़राब भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है मशीन को, नहीं तो आपकी स्प्रिंग ख़राब हो जाएगी। तो इसका ध्यान देना है कि बिल्कुल धीरे धीरे आपको बनाना है, क्योंकि हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है बहुत ही फास्ट चलता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका पूरा वायर, पूरा आपका तार भी ख़राब हो जाएगा, स्प्रिंग भी बढ़िया से नहीं बनेगा। तो अब देखिए आप इस तरीके से इसको हम पकड़ के रखे हुए हैं, ये उतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे।
अब हम इसको चालू करेंगे बड़े ही धीरे धीरे, आराम आराम से चलाना है इसको, क्योंकि नहीं तो आपका कार खराब हो जाएगा। इस तरीके से स्प्रिंग बनेगी आपकी। आप देख रहे होंगे स्प्रिंग हमारी बन गई है। बहुत ही आसानी से हमारी स्प्रिंग बन के तैयार हो जाएगी। अपनी इच्छा से जितना चाहे लंबा इसको बना सकते हैं आप। देखिए हमारी स्प्रिंग इतनी लंबी बन चुकी है। अभी इसको और बनाएंगे हम। लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो इसके लिए हमें अच्छे से तार को भी टाइट पकड़ के रखना होता है, क्योंकि तार भी अच्छे से जितना टाइट पकड़ के रखेंगे उतना अच्छा हमारी स्प्रिंग बनेगी। तो आपको जो है हम फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से हमारी स्प्रिंग बनना चालू हो गई है। ये हमारी स्प्रिंग बन गई है भैया। अब आप इसको कट करना पड़ता है, कट करना पड़ेगा इसे। ये देखिए हमारी पूरी जितनी हमारा बड़ा स्पोक है उतनी बड़ी स्प्रिंग बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको कट करेंगे यहाँ से। को प्लास की मदद से तार को कट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारी स्प्रिंग बन के तैयार हो गई है। मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैं स्पोक में से निकालूंगा ऐसे।
ये देखिए, ये हमारी स्प्रिंग है, अपने हिसाब से जैसा चाहे इसको यूज कर सकते हैं और इसको कट करके अपने बेंजो में लगा सकते हैं। तो भाइयों, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से आपको स्प्रिंग बनानी पड़ेगी, तो आप इसकी स्प्रिंग बनके तैयार हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, और अपने इस बेंजो की स्प्रिंग को घर पे खुद ही लगा सकते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। हमारा कोई भी वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई आपके ज़रूरत के लिए वीडियो बनाते हैं, आपकी जो भी समस्या होती है उसको लेकर वीडियो बनाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी भाइयों को इसके बारे में जानकारी मिले और उसका काम हो सके। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाना मनोरंजन नहीं है, भाइयों की समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, धन्यवाद।